राजनीति में कहा जाता है कि ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। 5 साल से भी ज्यादा वक्त से एक दूसरे के दुर्विरोधी रहे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल अब एक मंच पर दिखाई दिए हैं। मौका था विपुल गोयल द्वारा आयोजित गणेश उत्सव का, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, जहां विपुल गोयल ने उनका और उनके साथियों का पटका पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने भी विपुल गोयल को अपना भाई बताते हुए उन्हें चुनाव जितवाने का वादा किया। बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दी गई, तो उस वक्त पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की टिकट काट दी गई थी, जिसको लेकर कृष्णपाल गुर्जर पर टिकट कटवाने का आरोप लगा था। इसके पीछे वजह थी एक सार्वजनिक मंच पर एक दूसरे से दोनों नेता भिड़ते हुए नजर आए थे, उसके बाद दोनों में खटास पैदा हो गई थी और इसी के चलते दोनों एक दूसरे के दुर्विरोधी हो गए थे। लेकिन इस बार भाजपा ने फरीदाबाद विधानसभा से विपुल गोयल को उम्मीदवार बनाया है, तो ऐसे में कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल एक साथ खड़े हो गए हैं। आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के दौरान कृष्णपाल गुर्जर विपुल गोयल के लिए जनता के बीच वोट मांगते हुए भी दिखाई देंगे। अब दोनों का एक मंच पर आना न केवल फरीदाबाद बल्कि हरियाणा में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।